देखिए हम लोग यहाँ तक टेबल तक बना चुके थे हम लोग स्टेप नंबर 4 में। अब देखिए स्टेप 5 में यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए ये वाला आपका सारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं हुआ, दो वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -4y3। तो ये कौन से कॉलम में आपका, ये x2 वाला कॉलम है, इसका मतलब क्या हुआ, x2 एंटर करेगा, a1 x1 और s3 में से किसके जगह पे एंटर करेगा, इसको चेक करने के लिए क्या होता है, इसको चेक करने के लिए होता है मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो निकालते कैसे हैं, xb बाय ये वाला, जैसे कि यहाँ पे xb बाय xj है, तो आपका देखिए यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट हुआ, x2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, xb बाय x2 मिनिमम रेशियो, इसके लिए यहाँ पे यही होगा। तो xb को x2 के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 4/4/3, 4/2/3, 40, यहाँ पे 8/3 है तो 40/8/3, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, 3। ये कौन सा वैल्यू है आपका, ये वाला वैल्यू आपका a1 का, मतलब a1 यहाँ पे हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो वैल्यू सेलेक्ट हुआ है, कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट हुआ है x2, तो मतलब a1 की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, x2, तो यहाँ पे x2 आएगा। और ये वाला देखिए यहाँ पे की एलिमेंट का काम कौन करेगा आपका, ये वाला 4/3। तो देखिए पहले तो एंटरिंग वेरिएबल आपको पता चलेगा x2 क्यों, मोस्ट नेगेटिव, और द मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम रेशियो इज 3, मतलब a1 हो गया आपका, a1 क्या हो गया, आउट गोइंग वेरिएबल। तो देखिए आपका मिनिमम रेशियो था 3, तो आउट गोइंग वेरिएबल हो गया आपका a1। तो अब हम लोग फिर से नया टेबल बनाएंगे, और उस नया टेबल में x2 जो है यहाँ पे की एलिमेंट है, इसको हम लोग 1 करना होता है। तो 1 क्यों करना होता है, क्योंकि जो बेसिक वेरिएबल होता है वो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है, आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे 1 होगा, और उसके नीचे जो होता है वो 0 करना होता है। कि देखिए यहाँ पे ये आपका a1 के जगह पे क्या आने वाला है, अब x2 आने वाला है, ठीक है। ये बेसिक वेरिएबल था, पहले a1 था, a2 था और s3 था, उसके बाद a2 को हटा तो x1 आ गया वहाँ पे। अब इस वाले टेबल में जो अभी जो टेबल है वहाँ से पता चला है कि a1 हटेगा और x2 आएगा, तो वो भी यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा। तो देखिए जो एक ही एलिमेंट है वहाँ पे 1 होना चाहिए और बाकी उसके नीचे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/3 है, तो इसको 1 करेंगे, फिर जो नया रो तैयार होगा उस रो के हेल्प से नया वाले रो जो तैयार होगा, यानी कि इसको 1 करने के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नया जो रो तैयार होगा उससे, उसके हेल्प से इसके नीचे 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे। कैसे करते हैं, तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि इसको कैसे 0 करते हैं। तो हम लोग नया टेबल बनाते हैं। अब ये रहा आपका टेबल, और इस टेबल में हम सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। अब तो देखिए पुट कैसे करेंगे, तो आपको बताया गया कि जैसे कि की एलिमेंट है तो इसको हम लोग 1 करेंगे, तो इसको 1 करने के लिए आपको xb से लेके a1 तक 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन नया टेबल में देखिए a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल जब हट जाता है तो a1 का कॉलम हम लोग नहीं लिखते हैं, तो आर्टिफिशियल हट गया है, तो यहाँ पे s3 के बाद a1 का कॉलम नहीं लिखेंगे हम लोग। अब देखिए जो बेसिक वेरिएबल है वो मेरा है कौन कौन सा, आपका बेसिक वेरिएबल जो तैयार है पहले था a1 x1 और s3, अब क्या आएगा, a1 के जगह x2 आएगा, तो x2 x1 x3 हो जाएगा। उसके बाद ये आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट, x1 x2 s2 और s3 सब सारे का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और यहाँ भी होता है जो cb मतलब हुआ उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे देखिए कितना है, x1 x2 और s3 का सबका 0 है। उसके बाद देखिए आपको क्या पता चला, x2 यहाँ पे 1 करना था आपको, जो सेलेक्ट हुआ था यहाँ पे 4/3, तो यहाँ से आपको यहाँ तक 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आता है आप उसको वहाँ पे लिखिए। अब क्या कीजिएगा आप, अब x2 इसके नीचे हम लोग को 0 करना था, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है। तो देखिए पुराना टेबल में x2 का जो वैल्यू है, पुराना टेबल में आपका सॉरी x1 का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है कितना पुराने टेबल में, 4/1/2/3 0-1/3 और 0। भैया यहाँ पे देखो 4/1/2/3 0-1/3 0 वही लिखा हुआ यहाँ पे, पुराना टेबल में वो वाला वैल्यू है नीचे, मतलब इसके नीचे का वैल्यू है ये सब। तो अब क्या करना है, x2 के नीचे 0 करना है, मतलब ये 2/3 को हमको 0 करना है। तो 2/3 को 0 कैसे करेंगे, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे। तो देखिए इसको इसको 0 करना है तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा फिर घटा देंगे। तो देखिए 2/3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें से इसको घटाइए आ गया 0, तो नया टेबल का जो वैल्यू आ गया आपका, मतलब यहाँ का वैल्यू आ गया कितना, 202 यहाँ पे कितना गया, 2/1/0 1/2 -1/2 0। तो सिमिलरली आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए उसी तरीके से।
तो देखिए ये टेबल तैयार हो गया। अब जेड जे और जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए सारा वैल्यू आपका आ गया, जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे क्या है, सारा जीरो, तो एक भी नेगेटिव नहीं है। अगर एक भी नेगेटिव नहीं होता है तो मेरा टेबल हो जाता है स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। मतलब अगर ऐसा आता है जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होता है तो टेबल कर देते हैं हम लोग स्टॉप। तो यहाँ पे सारा वैल्यू जीरो है तो टेबल कर देंगे स्टॉप, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो यहाँ पे A1 और A2 में से कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहा है। अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर नहीं होता है तो हम लोग फेज टू में जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता, अगर आ जाता तो क्या होता। तो आता तो यहाँ पे उसका वैल्यू होना चाहिए था जीरो। अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है आपका तो उसका वैल्यू होना चाहिए था यहाँ पे जीरो। एक्स बी के नीचे जो भी वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू। जैसे कि एक्स वन का वैल्यू कितना है 2, एक्स टू का वैल्यू अभी कितना है 3 और एक्स थ्री का वैल्यू कितना है 32। तो अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर होता तो उसका वैल्यू होना चाहिए था जीरो, तभी हम लोग फेज टू में जा सकते थे। अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आता और उसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता, जैसे कि मान लीजिए एस थ्री की जगह A2 होता या A1 होता और उसका वैल्यू 32 होता, तो हम लोग क्या फेज टू में नहीं जा सकते थे और इस प्रॉब्लम जो दिया हुआ था प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करता, अगर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल होता और उसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता, A1 आता उसका वैल्यू अगर 2 होता तो सॉल्यूशन नहीं होता है उसका, इनफिजिबल सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन। मान लीजिए A2 होता उसका कुछ वैल्यू होता पॉजिटिव में तो भी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से फेज़ वन हुआ कंप्लीट। तो यहाँ से पता चला क्या, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो आप जाइए फेज टू बनाइए। तो मतलब हम लोग फेज टू में जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग फेज टू कैसे बनाएंगे, और फेज टू जो बनाते हैं हम लोग, फेज टू में जो टेबल बनाते हैं वो इस टेबल का हेल्प से ही बनता है वो टेबल।